स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी किसी भी बिजनेस सिनेरियो में डिसीजन मेकिंग होती है अच्छा डिसीजन जब भी हम करते हैं हम फ्यूचर के बारे में करते हैं कभी कोई डिसीजन पास्ट के बारे में या प्रेजेंट के बारे में नहीं किया जाता डिसीजन हमेशा फ्यूचर के बारे में किया जाता है अच्छा जब हम फ्यूचर की, अच्छा, की बात करते हैं तो हमारे पास उसकी टेक्निकल टर्म है फोरकास्टिंग वेदर फोरकास्टिंग का लफज आपने बहुत दफ़ा सुना होगा प्रिडिक्शन का दूसरा वर्ड जो फोरकास्टिंग के साथ ही बोला जाता है वो भी इस हवाले से यूज होता है सो so, इस सेशन में हमारा फोकस होगा कि हम रिग्रेशन एनालिसिस को या पैटर्न डेवलपमेंट को फोरकास्टिंग और प्रडिक्शन के लिए कैसे यूज़ करेंगे इसी चीज़ को मैं यूं भी कह सकता हूं कि रिग्रेशन एनालिसिस को डिसीजन मेकिंग में हम कैसे लेके आएंगे सो so, इस सेशन में हम फोकस करेंगे उन्हीं टेक्निक्स के ऊपर जो हमने लास्ट सेशन में सीखी थी लेकिन जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि हम इसकी मदद से फोरकास्टिंग कैसे कर रहे हैं तो आइए कंप्यूटर पे चलते हैं और देखते हैं कि इनकी मदद से हम फोरकास्टिंग और प्रडिक्शन कैसे करेंगे जी स्टूडेंट्स तो अब हम इस एक्सेल की मदद से डिसीजन uh, मेकिंग uh, करते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे इट्स प्रटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथमेटिक्स हमारे पास से एक रिग्रेशन uh, की इक्वेशन में यहाँ पे लिख लेता हूँ ये एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन होगी नॉट द रियल इक्वेशन हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं थर्टी फोर एक्स प्लस सेवेंटी अब uh, इस इक्वेशन में अगर मैं देखूँ कि मेरे पास इंडिपेंडेंट uh, वेरिएबल की वैल्यू थर्टी है और ये पॉजिटिव रिग्रेशन है और इसमें इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है वो 78 है तो इट्स प्रिटी मच स्टेट फॉरवर्ड अब जब हम फोरकास्टिंग का वर्ड बोलते हैं या प्रिडिक्शन का वर्ड बोलते हैं तो टेक्निकली उसका मतलब ये होगा कि एक्स की वैल्यू मैं प्रोवाइड करूंगा और मैं ये देखूंगा कि x की किसी एक वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या होगी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं ये देखना चाहता हूँ कि एट x इज़ इक्वल टू वन इस y की वैल्यू क्या होगी तो मैं इसको करने का बड़ा आसान सा तरीका ये है कि इस इक्वेशन में जहाँ पे x की वैल्यू या x का वर्ड लिखा हुआ है उसको वन लिख देंगे और बाकी हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे कैसे करेंगे थर्टी फोर इंटू वन प्लस सेवेंटी एट और इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ जाएगा थर्टी फोर इंटू वन प्लस 78 तो ये मेरे पास वैल्यू 112 आ जाएगी तो मैं ये कहूँगा कि फोरकास्टेड वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल टू वन ये हमारे पास 112 हो जाएगी अच्छा ऐसा क्या है यानी ये फोरकास्टेड हमें वैल्यू क्या बता रही है जब हमने रिग्रेशन एनालिसिस कंप्लीट किया तो वो तो डेटा हमारे पास गिवन था हमारे पास एक्स की वैल्यू भी गिवन थी हमारे पास वाई की वैल्यू भी गिवन थी तो हमने उनको यूज़ करते हुए एक रिग्रेशन की लाइन को डेवलप कर लिया हमने उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए एक ग्राफ भी डेवलप कर लिया अब जब हम इस रिग्रेशन को उस रिग्रेशन की लाइन को किसी फ्यूचर के लिए उसी जैसे किसी फ्यूचर की वैल्यू के लिए प्रिडिक्ट करना चाहेंगे या फोरकास्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पे हमें ये जो अरिथमेटिक मैंने आपके सामने किया ये हेल्प करेगा जो वैल्यूज़ हमारे सामने एक्स और वाई की मौजूद है उनके लिए तो मुझे इस अरिथमेटिक की ज़रूरत नहीं है लेकिन इस अरिथमेटिक की वैल्यू की मुझे कहाँ ज़रूरत पड़ेगी जहां पे मेरे पास एक्स की वैल्यू नहीं होगी मैं एक बड़ी नाइफ सी एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस करता हूँ पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है आपको पता है कि एक काउंट होती है पॉपुलेशन सेंसिस के थ्रू और सेंसेस आम तौर के ऊपर हर 10 साल के बाद होता है तो पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन सेंसेज है ठीक है वो हर 10 साल के बाद नहीं हुआ लेकिन इस वक्त तक चार सेंसिस हो चुके हुए हैं पाकिस्तान के बनने के बाद से तो हर सेंसिस के ऊपर पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी उसका पता था पहला सेंसिस हुआ था 1951 में दूसरा 62 में हुआ तीसरा 72 में हुआ और चौथा हमारे पास 98 में हुआ पांचवा हो चुका हुआ है 2017 में लेकिन उसके रिज़ल्ट अभी ऑन ऑन एयर नहीं हुए तो लिहाजा उसको मैंने शामिल नहीं किया तो हमारे पास पाकिस्तान की पॉपुलेशन की वैल्यू मौजूद है 51 के ऊपर मौजूद है 62 के ऊपर पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी ये भी हमारे पास मौजूद है 72 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी ये भी मौजूद है 98 में कितनी थी ये भी मौजूद है अब अगर मुझे अपनी किसी करोसिटी के लिए ये चाहिए कि दो में पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी होगी या आज जब हम बैठे हुए हैं दो में, में या दो में या दो में कितनी वैल्यू होगी पाकिस्तान की पॉपुलेशन की तो ये वो सिनेरियो है जहाँ पे हमें ये इक्वेशन या ये फोरकास्टिंग का प्रोसेस हेल्प करेगा हम एग्जिस्टिंग डेटे की मदद से यानी उन चार वैल्यूज़ की मदद से रिग्रेशन लाइन डेवलप करेंगे और जब हमारे पास रिग्रेशन लाइन आ जाएगी तो उस रिग्रेशन लाइन में हम वो ईयर की वैल्यू रख देंगे और वो हमें पाकिस्तान की पॉपुलेशन का आंसर बता देगा बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह अभी आपके सामने मैंने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस की थी कि जिसमें सेटिसफेक्शन लेवल और मोटिवेशन लेवल के दरम्यान में एक इक्वेशन मौजूद थी तो अगर मैं सटिसफैक्शन लेवल को प्रिडिक्ट करना चाहूं तो मेरे पास वो इक्वेशन मौजूद है कि मैं मोटिवेशन लेवल की किसी भी वैल्यू के लिए सेटिसफैक्शन लेवल कैलकुलेट कर सकता हूं तो जहां पे मैं फोरकास्टिंग और प्रडिक्शन का नाम लेता हूं तो बेसिकली ये उस प्रोसेस का नाम है कि जिसमें हम उस रिग्रेशन लाइन को उस रिग्रेशन की विजुअलाइजेशन को हम यूज़ करेंगे किसी और वैल्यू के लिए किसी ऐसी वैल्यू के लिए जो कि हमारे पास डेटा में मौजूद नहीं है क्योंकि जो वैल्यूज डेटा में मौजूद है उसके लिए तो मुझे किसी प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है मेरे पास वैल्यूज़ मौजूद है प्रोसेस की ज़रूरत उस वक़्त पड़ेगी मैं उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना चाहता हूँ जो मेरे पास डेटा में मौजूद नहीं है इट्स ए जॉली गुड थिंग इसकी एक एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ कि मार्केटिंग एनालिसिस में ख़ासकर जब कोई प्रोडक्ट मार्केट uh, में मौजूद है और उसका मैन्युफैक्चरर ये देखना चाहता है कि उसकी प्रोडक्ट का कौन सा फीचर लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मार्केटिंग की टर्म में अगर बात करूँ तो इसको हम कहते हैं ट्रैकर तो ट्रैकर में आमतौर के ऊपर तीन पैरामीटर यानी उस प्रोडक्ट की फील कैसी है उस प्रोडक्ट की स्मेल कैसी है और उस प्रोडक्ट का जो टेस्ट वो कैसा है तो इन तीन चीज़ों के ऊपर ट्रैकर जो है वो डेवलप होता है इन तीन चीज़ों को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना के हम उस प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी को हम चेक करते हैं तो प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई अब जब मैं उस रिग्रेशन इक्वेशन तो मैंने एक मरतबा डेवलप कर ली अब हर मरतबा जब मैं उस प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी को कैलकुलेट करना चाहूँगा तो मैं हर मरतबा तो रिग्रेशन एनालिसिस नहीं करूँगा मैं उस रिग्रेशन एनालिसिस की वो जो लाइन डेवलप की हुई है उसी को यूज़ करूँगा और देखूँगा कि वो उसकी पॉपुलैरिटी के ऊपर क्या उसका टेस्ट असरअंदाज़ हो रहा है क्या उसका फील असर हो रहा है या उसकी स्मेल असरअंदाज हो रही है सो so, इन्हीं तीन चीज़ों के ऊपर हम उसकी पॉपुलैरिटी को गेज करते रहेंगे दूसरे मानों में मैं कहने का मतलब ये है कि ये रिग्रेशन लाइन एक ही मरतबा डेवलप की जाती है और फिर उसकी रिग्रेशन लाइन को फ्यूचर परपजेज के लिए यूज़ किया जाता है जब आप किसी बैंक में जाते हैं और कहते हैं कि मुझे कर्जा चाहिए तो बैंक वालों के लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि मैं इस बंदे को कर्जा दिया जाए या ना दिया जाए क्या यह बंदा कर्जा वापस करेगा क्या ये कर्ज़ा वापस करने में कोई प्रॉब्लम शो करेगा तो उन्होंने बैंक वालों ने कुछ पैरामीटर्स इकट्ठे किए हुए हैं कि उन पैरामीटर्स के ऊपर उन उस रिस्पोंडेंट का उस क्लाइंट का डेटा इकट्ठा करते हैं और उस डेटे को वो जो उन्होंने कहीं पहले एक रिग्रेशन लाइन डेवलप की हुई है उसमें वो फीड करते हैं और वो रिग्रेशन लाइन उनको बाय द एंड ऑफ द डे ये बता देती है कि ये बंदा क्या डिफ़ॉल्ट करेगा या कर्जा वापस कर देगा तो रिग्रेशन लाइन एक ही मरतबा डेवलप होती है किसी भी डेटे की मदद से और फिर उसको हम फ्यूचर पर्पजेज के लिए उसी लाइन को यूज़ करते रहते हैं और बिल्कुल उसी तरीके से यूज़ करते हैं जिस तरह अभी मैंने आपके सामने आप रखा है उम्मीद है कि आपको चीज़ों की समझ आ गई होगी फोरकास्टिंग एंड प्रडिक्शन किसी भी डिसीजन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस सेशन में हमने फोकस किया कि रिग्रेशन के थ्रू हम फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन और डिसीजन कैसे डेवलप करेंगे उम्मीद है कि चीजें आपको समझ आ गई होंगी